दिन प्रतिदिन बीजेपी के साथ कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है जिससे कि बीजेपी सरकार सवाले के घेरे में आ जाती है। अब चाहे बीजेपी सरकार का राफेल मामला हो या फिर नोटबंदी हो, अब फिर से एक और मामला ऐसे ही सामने आया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज उर्फ स्वामी सचिदानंद की। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज पर शमशान घाट की जमीन को धोखाधड़ी करके अपने नाम करने का मुकदमा चल रहा था, जिसमें अब शमशान घाट की जमीन का बेनामा अपने नाम करा लेने के मुकदमे में MP MLA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज व अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। विशेष न्यायाधीश ने सभी आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था और इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च की रखी है। हम आपको बता दें कि 2012 में साक्षी महाराज, प्रेम सिंह, मुकेश कुमार, जय प्रकाश, चोखेलाल ने साजिश करके शमशान घाट की जमीन का बेनामा अपने पक्ष में करा लिया था। इस मामले की रिपोर्ट जब जबर सिंह ने थाना कोतवाली नगर एटा में दर्ज कराई थी, तब इस मामले की छानबीन करने के बाद विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने देखा कि आरोपी अभी तक भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में देखा जाए तो कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है। और फिर न्यायाधीश ने बीजेपी सांसद साक्षी महाराज व अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।